back. कनाडा रवा माह दूसरे सिख अलैदगी पसंद कारकुन के घर पर फायरिंग जेरे तामीर मकान पर हुई। वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने कहा है कि इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। कनाडा में डॉक्टरों की शदीद कमी के सबब वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। कुछ डॉक्टरों नर्सों के लिए कर्ज की मुआफ़ी की पेशकश की। दूर दराज इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए $60,000 तक माफ़ किया जाएगा। अमेरिका और मशरकी कनाडा में मौसम सरमा का तूफान, शदीद बर्फबारी। अमेरिका या मशरकी कनाडा के मुसाफरों के लिए पियर्सन एयरपोर्ट का इंतबाह। शहरियों को सफर से पहले फ्लाइट चेक करने की हिदायत। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि मुतअद्दिद परवाजें भी मनसूख कर दी गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas, get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. कनाडा में रवा माह सिख अलैदगी पसंद के घर के बाहर फायरिंग का दूसरा वाकया रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ने कहा है कि एक सिख अलैदगी पसंद कारकुन के घर पर फायरिंग हुई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में रवा माह सिख अलैदगी पसंद के घर के बाहर फायरिंग का दूसरा वाकया रिपोर्ट हुआ है। पुलिस ने कहा है कि एक सिख अलैदगी पसंद कारकुन के घर पर फायरिंग हुई है। इंद्रजीत सिंह गोसल मुमताज सिख अलैदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के करीबी साथी भी हैं, जो न्यूयॉर्क में एक अमरीकी सिख कारकुन है, जिसके बारे में अमरीकी हुक्काम ने कहा था कि गुज़िश्ता साल अमरीका में उनके कत्ल का नाकाम मंसूबा बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि तामीराती अमले ने पील रीजनल पुलिस को इत्तला दी थी कि ओंटारियो में इंद्रजीत सिंह गोसल के घर की खिड़की में गोली का सुराख है। फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ है क्योंकि घर जेरे तामीर है और फिलहाल खाली है। पुलिस ने कहा है कि इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का ये वाकया ऐसे वक्त में पेश आया जब इंद्रजीत सिंह गोसल ने ऐलान किया था कि खालिस्तान हामी तहरीक 17 फरवरी को टोरंटो में इंडियन कौंसल खाने के बाहर एक रैली का इनेकाद करेगी। पील पुलिस का कहना है कि हमें इस शख्स और उसकी वाबस्तगियों के बारे में मालूम है, लेकिन हमारे लिए ये कहना कबल अज़ वक्त है कि दीगर तशद्दुद के वाकयात और धमकियों से इस वाकये का कोई ताल्लुक है। रवा माह के आगाज़ में ब्रिटिश कोलम्बिया में हरदीप सिंह निजर के एक साथी सिमरनजीत सिंह के घर पर भी फायरिंग की गई थी। कनाडा में देही और दूर दराज इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की तादाद बढ़ाने की कोशिश में वफाकी हुकूमत ने कहा कि वो कुछ तलबा के लिए काबिल माफ़ी कर्ज़ों में इजाफा कर रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। देही और दूर दराज इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज की तादाद बढ़ाने की कोशिश में वफाकी हुकूमत ने कहा कि वो कुछ तलबा के लिए काबिल माफ़ी कर्ज़ों में इजाफा कर रही है। कनाडा को डॉक्टर्स की शदीद किल्लत का सामना है और आबादी में इजाफे और डॉक्टर्स के इज्तिमाही तौर पर रिटायर होने के साथ ही उसके मजीद ख़राब होने की तवक्को है। वफाकी आदाद शुमार बताते हैं कि कनाडा को 2031 तक तकरीबन 48,900 मजीद फैमिली डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तिबी रिहाइश गाहों की तादाद पिछली दहाई से जमूत का शिकार है।
जिससे फील्ड में दाखिल होने वाले नए डॉक्टरों की तादाद महदूद है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 6.5 मिलियन कैनेडियन रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें फैमिली फिजिशियन या नर्स प्रैक्टिशनर्स तक बाकायदा रसाई हासिल नहीं है। ऐसे इलाकों की तरफ ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स को रागिब करने के लिए जहाँ ख़ास तौर पर शदीद किल्लत है, रोजगार के वजीर रैंडी बोसोनार्ट ने कहा कि ओटावा देही और दूर दराज की कम्युनिटीज में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए काबिल माफी कर्जों में 50% इजाफे की पेशकश कर रहा है। बोसोनार्ट ने कहा कि फैमिली फिजिशियन या फैमिली मेडिसिन के रिहायशी के लिए $60,000 तक और कनाडा के स्टूडेंट लोन के साथ नर्स या नर्स प्रैक्टिशनर के लिए $30,000 तक माफ़ किया जाएगा। बोसोनार्ट ने कहा कि इस माली साल के अंदाजे के मुताबिक 3,000 डॉक्टर्स और नर्सें इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगी। हुकूमत का कहना है कि इसे तवक्को है कि कनाडा के तुलबा के कर्ज की ये तब्दीलियां 10 साल के अरसे में मुल्क भर में तकरीबन 1200 नए डॉक्टरों और 4000 नई नर्सों को कम खिदमत और देही और दूर दराज की कम्यूनिटीज़ की तरफ रागिब करेंगी। हुकूमत ने अपनी न्यूज़ रिलीज में कहा कि ये तब्दीलियाँ सेहत की अफरादी कुव्वत को मजबूत करती हैं, वो कर्ज के बोझ को मजीद काबिल इंतज़ाम बनाने में भी हिस्सा डालते हैं। अमेरिका या मशरकी कनाडा के कुछ हिस्सों की तरफ जाने वाले GTA के मुसाफरों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अपनी फ़्लाइट चेक कर लें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका या मशरकी कनाडा के कुछ हिस्सों की तरफ जाने वाले GTA के मुसाफरों को हवाई अड्डे पर जाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो अपनी फ़्लाइट चेक कर लें। पियर्सन एयरपोर्ट ने खबरदार किया है कि न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, बोस्टन और फिलाडेल्फिया जाने वाली कई परवाजें एक ताकतवर मौसम सरमा के तूफान की वजह से मनसूख कर दी गई हैं जो शुमाल मशरक में फैल रहा है। हवाई अड्डे ने हैलीफैक्स जाने वाली परवाजों की मनसूखी के बारे में भी खबरदार किया। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है मौसम सरमा के तूफान की वजह से मैरीटाइम्स में 15 से 25 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को है। अब तक एयरलाइंस ने टोरंटो पियर्सन से हैलीफैक्स स्टीन फील्ड के लिए मंगल को 8 तयशुदा परवाजें मनसूख कर दी थी और हैलीफैक्स स्टीन फील्ड से टोरंटो पियर्सन तक 4 परवाजें। हुकाम का यह भी कहना है कि टोरंटो से न्यूयॉर्क शहर के लगार्डिया हवाई अड्डे तक 8 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। मंगल को पियर्सन से लगार्डिया के लिए रवाना होने वाली कई परवाजें अभी बाकी थीं। नोवा स्कॉशिया के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी है, जिसमें एनवायरमेंट कनाडा ने वाइट आउट हालात और 25 सेंटीमीटर तक बर्फ़ की वार्निंग दी है। सूबे के जनूब से गुजरने वाला नोरेस्टर जनूबी और मशरकी नोवा स्कॉटिया के कुछ हिस्सों में खतरनाक मौसम सरमा का मौसम लाएगा, वार्निंग में लिखा गया है। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका के शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि मुतादिद परवाज़ें भी मनसूख कर दी गईं। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि न्यूयॉर्क में 7 इंच तक बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि शुमाल मगरबी इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि पेंसिल्वानिया में 6 से 10 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मगरबी वर्जीनिया से न्यू इंग्लैंड तक तूफान की वार्निंग जारी कर दी है। अमरीका में मंगल की सुबह तक 1,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। ज़्यादातर न्यूयॉर्क सिटी के इलाके और बूस्टन के हवाई अड्डों पर फरवरी में 2022 के बाद न्यूयॉर्क शहर में ये पहला बड़ा बर्फानी तूफान है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी, कनेक्टिकट, जनूब मशरकी मैसाचुसेट्स और रिहोड आइलैंड के शुमाल मजाफाती इलाकों के कुछ हिस्सों में 20 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बर्फबारी की पेशगोई की गई थी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कंवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।